सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, देश के एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार किया है। बसपा सुप्रीमो ने पीएम मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए संबोधन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्रीमी लेयर को लेकर दिए गए फैसले का जिक्र नहीं करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पीएम मोदी ने कोटे में कोटा मामले पर चुप्पी साधे रखी, जो गलत है। मायावती का कहना है कि सच्ची देशभक्ति और राजधर्म यही है कि सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री को आरक्षण के मुद्दे पर भी घेरते हुए कहा कि इतना लंबा चौड़ा भाषण में दलितों आदिवासियों के आरक्षण के हक की रक्षा निराशाजनक ही रहा। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में धर्म निरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम लोग जी रहे हैं वो सचमुच में सांप्रदायिक और भेदभाव करने वाली संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपने विचार लेकर आए। इसी बयान को लेकर मायावती ने एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। मायावती ने लिखा, पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित है? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म। माया ने आगे लिखा कि इतना ही नहीं बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों को उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही है। लोगों के लिए अच्छे दिन कब आएंगे? इसकी अगली पोस्ट में मायावती ने लिखा कि पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद ये अति खास व ज्वलंत मुद्दा था। इस बारे में भाजपा सांसदों का दिया आश्वासन भी पीएम मोदी को याद नहीं रहा, जबकि देश के एससी एसटी वर्गों को ऐसे ही जातिवाद रवैये अपनाने की कांग्रेस से बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उपवर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह ही अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित है। आपको बता दें कि बीते दिनों भी मायावती ने आरक्षण के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था। इसके लिए मायावती ने बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उच्चतम न्यायालय द्वारा आरक्षण व्यवस्था पर बीते दिनों दिए गए निर्णय को लेकर उन्होंने कहा था कि सरकार को इसी सत्र में आरक्षण संशोधन विधेयक लाना चाहिए। इसी दौरान मायावती विपक्षी दलों पर भी खूब फायर दिखी। आरक्षण संविधान के मुद्दे को गलत इस्तेमाल करने के आरोप भी मायावती ने विपक्ष पर लगाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।